सो गाइस, ब्लैक वीडियो का पॉसिबल प्लॉट लीक रिवील हुआ है, जिसमें हमें उसके विलन के बारे में भी पता चलता है और उसके थोड़े प्लॉट के बारे में भी पता चलता है। सो कॉमिक्स में टास्क मास्टर के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जो कि वो ब्लैक वीडो मूवी में देखने को मिलने वाला है। वह दूसरे के मूव्स को कॉपी करना, दूसरे के एक्शन फाइटिंग स्किल्स को कॉपी करना। जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा है कैसे उसने के मूव्स फाइटिंग स्किल्स सिमिलर है हॉकआई और ब्लैक पैंथर से। यह लीक हमें और एक एक्स्ट्रा एडिशन शेयर करता है कि टास्क मास्टर अपने स्किल्स को बूस्ट अप करेगा आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका जैसे, और उन कैरेक्टर जैसे भी जिनको मार्वल ने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया। फॉर एग्जांपल बात करते हैं डेडपूल, वॉल्वरीन, मून नाइट या फिर गोस्ट राइडर। सो फिल्म में दिखाया गया है कि टास्क मास्टर फॉर्मर शील्ड का एक ऑपरेटिव रहेगा, बिल्कुल विंटर सोल्जर जैसा, और वो क्रॉसबोन्स को बेचता है एवेंजर्स से भिड़ने के लिए सिविल वॉर में। तो मैं पहले ही बता दूं कि एक ब्लैक विडो मूवी का एक सीक्वल होने वाला है जो फोकस करेगा इवेंट सिविल वॉर से इन्फिनिटी वॉर तक के। वो टास्क मास्टर ही है जो डिसाइड करता है कि वो डबल एजेंट बनेगा और हाइड्रा के इवेंटफुल शील्ड को टेक ओवर करेगा इन विंटर सोल्जर के इवेंट्स के टाइम पे। बाद में आगे जाके वो ऐसे प्रोटोटाइप्स बनाएगा जो वो छोड़ेगा ब्लैक वीडो के सामने, और हर प्रोटोटाइप ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे वह एक एवेंजर्स का मेंबर ही है। लेकिन एक प्रॉब्लम वहाँ वो होगी कि वो ऑटोमेटिकली स्विच नहीं कर पाएगा करंट सिचुएशन के वजह से। सो ये लीक से हमें ये भी पता चलता है कि टास्क मास्टर को टास्क मास्टर है जो स्टार्ट में काम करेगा वो एजेंट थंडरबोल्ट रॉस के साथ, जो हमें देखने को मिल सकता है मिड क्रेडिट के सीन में। सो हालांकि यहाँ टास्क मास्टर पावर्स मिमिक करेगा, जैसे कि स्पाइडरमैन की पावर्स हो गई, आयरन मैन की पावर्स हो गई, कैप्टन की पावर्स हो गई, एंटमैन की पावर्स हो गई, और हमें इसमें शायद डेडपूल और वॉल्वरिन का भी रेफरेंस देखने को मिलने वाला है। कैसे इन दोनों का रेफरेंस देखने को मिलने वाला है मैं बताता हूँ। सो डेडपूल का है ना, जो हम डेडपूल का रेफरेंस हमें देखने को मिलने वाला है शायद पैंट्रा क्लॉस से, डेडपूल का रेफरेंस हमें देखने को मिलने वाला है ड्यूएल कर्तनास से, और शायद हमें वॉल्वरिन का देखने को मिला है उसके जब भी क्लॉस मारता है तभी शायद हमें वॉल्वरिन का देखने को। तो ये था एक छोटा सा प्लॉट लीक जो मैंने रिसर्च किया था तभी मुझे मिला था। तो ये प्लॉट लीक है सब, अभी हमें मेन स्टोरी का फोकस नहीं पता है कि ब्लैक विडो मूवी किस पे बेस्ड होने वाली। ये तो उसके इवेंट्स तो पता है कि वो किस पे बेस्ड होने वाली है, लेकिन ये सिर्फ अभी एक लीक बताया जा रहा है। प्रॉपर अपडेट्स, ऑफिशियल अपडेट्स मार्वल की तरफ से कुछ भी नहीं है। आप सभी को बताएं मार्वल बहुत ही सीक्रेट रखा हुआ है अपने सब प्रोजेक्ट्स को लेकर, स्टोरी को लेकर। ये सब हम सिर्फ कॉमिक्स के हिसाब से और अपने लीक्स के र्यूमर्स के हिसाब से आपको बताते। तो कैसा लगा ये छोटा सा प्लॉट लीक वीडियो ब्लैक वीडियो के ऊपर, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम 500 मेंबर्स के बहुत करीब है, 500 मेंबर्स पे एक स्पेशल ट्रिब्यूट वीडियो आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर दो यार। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय, एंड जॉइन आवर सुपर हीरो आर्मी एंड बी अ सुपर हीरो।